आपको यहाँ पर बैरिकेड लगा दिए हैं कि बाइक अंदर नहीं ले जा सकती करके। देख पा रहे हो इस तरीके से बैरिकेड वगैरह लगा दिए गए हैं। ये देख पा रहे हो यहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है। एक तो यहाँ से भी आप जा सकते हो सीधा अंदर। ये देख पा रहे हो श्रद्धालु की भीड़, और इधर पूरा दुकान लगे हुए है एकदम ज़बरदस्त टाइप में चलने वाली है, और ये पूरा मेला वगैरह लगा हुआ है। इधर देख पा रहे हो दोनों तरफ ज़बरदस्त टाइप में भीड़ है, और ये पूरा दुकान के लिए चालू हो चुका है। ये देख पा रहे हो यहाँ पर, और ये रहा कथा स्थल कथा प्रांगण। पंचमुखी रुद्राक्ष भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ भिलाई पावर हाउस से लेके जितने भी आप लोग को गेट दिखाना है, कहाँ से कैसे अंदर जाना है, ये सारी चीज़ की जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो के अपडेट आप तक पहुँच सके, ताकि आप लोग को काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिल पाएगी कि किस गेट से जाना है और कब जाना है और कैसे जाना है। तो सारी चीज़ की जानकारी देने के लिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तो हमारे वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दोस्तों तो मैं आ चुका हूँ भिलाई के इस पवन धरा पे, और आज मैं जाने वाला हूँ पंडित प्रदीप मिश्रा जी के पंडाल पे। और सुबह सुबह के बज रहे हैं 8:30, और 8:30 को मैं जा रहा हूँ पंडित श्री प्रदीप मिश्रा के पंडाल पर। देखते हैं वहाँ पर कितने श्रद्धालु आए हैं और कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। है कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि कब से आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं, और कितने दिन कथा वो कथा का रसपान करने वाले हैं। ये सारी चीज़ की जानकारी हम देने वाले हैं। और अभी फ़िलहाल मैं पावर हाउस से जस्ट निकला हूँ, और ये पहला चौक है जिसको मुर्गा चौक या सेक्टर 1 चौक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर मैं वीडियो सीधा वहीं बनाने वाला था, लेकिन मैं देखा कि यहाँ पर कितने लोग अभी फिलहाल वेग बस्तर लेकर वहीं जा रहे हैं। देख पा रहे हो यहाँ पर गेट बना हुआ है, वेग बस्तर लेकर जाने जा रहे हैं बहुत लोग, बाइक से आ रहे हैं। इस चीज़ को भी आप लोग को दिखाने के लिए ये पूरा सेक्टर आ जाता है भिलाई का, काफ़ी फेमस जगह है ये भी सेक्टर एरिया। किसी भी को पूछोगे भिलाई का सेक्टर एरिया तो ये बता देंगे। तो यहाँ से अपने को जयंती स्टेडियम जाना है, और जयंती स्टेडियम में हो रही है कथा। तो और कथा का रसपान करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आए जा रहे हैं, अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं। अधिकतर तो अभी फ़िलहाल छत्तीसगढ़ के ही लोग दिख रहे थे उस दिन, और आज का पता नहीं भाई साहब कितने दूर दूर से आ रहे हैं कथा सुनने के लिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और देखते हैं। आप तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो के अपडेट जो है आप तक पहुँच सके, और निरंतर जो है कथा हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं, और कथा में आए लोगों से भी मिलाने वाले हैं, बातचीत कराने वाले हैं। हमारे चैनल पे इस तरीके से वीडियो आती रहेगी अभी जब तक। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ सेक्टर 6 पर, और ये है सेल परिवहन चौक। यहाँ से भी आपको लेफ्ट लेकर जा पाओगे, यहाँ से भी अच्छे से जा सकते हो। उसके आगे और आप लोग को बता देता हूँ कितने सारे गेट बने हुए हैं, किस तरीके से जाना है। आप लोग को यहाँ पर बैरिकेड लगा दिए हैं कि बाइक अंदर नहीं ले जा सकती करके। देख पा रहे हो इस तरीके से बैरिकेड वगैरह लगा दिए गए हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी वहाँ अंदर जाओगे तो। और इस तरीके से देख पा रहे हो बहुत खूबसूरत जगह है भिलाई शहर पवन धरा पे। और यहाँ से भी एक लेफ्ट रास्ता मिलेगा, वो भी आप लोग को दिखाता हूँ। ये जो पुलिस पेट्रोल पम्प है, पुलिस कंट्रोल रूम है, उसके जस्ट सामने से भी एक रास्ता है, यहाँ से भी आप जा सकते हो। यहाँ पर भी पुलिस वालों की ड्यूटी लगी हुई है, प्लस बैरिकेड भी लगे हुए हैं इस तरीके से। ये देख पा रहे हो यहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है। इसके बाद आप जा सकते हो, ये है रेल चौक, ग्लोब चौक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पुलिस वाले का ड्यूटी लगे हुए हैं, तो ये वाले रूट से आप भी जा सकते हो। यहाँ से आपको आगे से लेफ्ट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी दो गेट आप लोग को मिलने वाले हैं, एक तो सामने ही मिलेगा और एक आगे भिलाई क्लब के आसपास पड़ेगा। तो चलिए वो भी रास्ता भी आप लोग को दिखा देता हूँ मैं। सभी रास्ता का नॉलेज रहेगा तो आप कहीं ना कहीं से जा पाओगे कथा सुनने के लिए, और दूर दूर से आए श्रद्धालु को भी ये दिक्कत ना रहे। कृपया वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना, किसी भी प्रकार से स्किप मत करना ताकि वीडियो आपको समझ में आए। पुलिस वाले की ड्यूटी लगने वाली है, इसलिए पुलिस वाले लोग क्या है जो है जा रहे हैं ड्यूटी करने के लिए अपने अपने। तो ये वाला एक बैरिकेड लगने वाली है कुछ देर बाद। ये देख पा रहे हो यहाँ पर बैरिकेड आ चुके हैं इस तरीके से। एक तो यहाँ से भी आप जा सकते हो सीधा अंदर, और एक आगे से और जाने के लिए रास्ता है आप लोग को, वो भी आप लोग को दिखा देता हूँ मैं। चलिए, काफ़ी सुंदर सा पंडाल बन चुका है पूरा, बहुत ही भव्य टाइप में। और इसी तरीके से निरंतर यहाँ पर कथा चलने वाली है 25 तारीख से 1 तारीख तक का। तो आप ज़रूर पधारे यहाँ पर। और ये मैदान है, देख पा रहे हो
अभी चलते हैं और जितने भी जो जयंती स्टेडियम में खेल कूद करने आते थे उन लोग को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है ये छोटे वाले मैदान पे। और श्रद्धालु देख पा रहे हो गाड़ी में बैठ बैठ कर जा रहे हैं। ये एक और भिलाई निवास के पास एक और गेट बना हुआ है, देख पा रहे हो इस तरीके से कुछ। यहाँ से अभी हम लोग अंदर जाने वाले हैं, ये देख पा रहे हो पूरा पार्किंग की सुविधा इधर ही रखे हुए हैं। जितने भी पार्किंग है सब यहीं पर रखना है, बाइक वगैरह हो जाएगा यहाँ से पार्किंग स्टार्ट। और काफ़ी लोग यहाँ पर आ चुके हैं अभी मेरे हिसाब से लग रहे हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा लग रहा है। इधर से जाते हैं और देखते हैं श्रद्धालु की भीड़, वो देख पा रहे होंगे कितने सारे कार बाइक्स वगैरह खड़े हुए हैं। और ये है हेलीपैड जो भिलाई का, ये देख पा रहे हो हेलीपैड बना हुआ है। ऑटो रिक्शा का तो भाई दबा दब चल रहा है, इतना अच्छा चल रहा है इन लोग का काम। भीड़ इतना ज़्यादा हो चुकी है क्योंकि इन्हीं लोग का गाड़ी चल पा रहा है। देख पा रहे हो यहाँ पर एक गेट बना हुआ है और चंदन चुआ वाले लोग भी आ चुके हैं, देख पा रहे हो चंदन वंदन लगाते हुए। सुबह सुबह का टाइम है, ये देख पा रहे हो श्रद्धालु की भीड़। और इधर पूरा दुकान लगे हुए है एकदम ज़बरदस्त टाइप में, ये देख सकते हो पूरा। ये पुलिस बल भी आ चुके हैं यहाँ पर, इनको थोड़ा कुछ बतलाएंगे कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। और इन लोग अलग अलग जिले से आए हुए हैं, जिला पुलिस है इन लोग, ये देख पा रहे हो थोड़ा काम वाम लोग वाले लोग आए हुए हैं। और इतने सारे पुलिस वाले यहाँ पर खड़े हुए हैं, देख पा रहे हो ये इधर पूरा मेला का कार्यक्रम लगा हुआ है, ज़बरदस्त टाइप में भीड़ भाड़ है। पूरा पुलिस वाले लोग को समझाइश दिया जा रहा है कि ये नहीं ये करना है, यहाँ यहाँ सुरक्षा बल देना है अपने को, तो कुछ इस तरीके से है। इधर देख पा रहे होगे पूरा भीड़ यहाँ से चलने वाली है और ये पूरा मेला वगैरह लगा हुआ है। इधर देख पा रहे हो दोनों तरफ ज़बरदस्त टाइप में भीड़ है और ये पूरा दुकान के लिए चालू हो चुका है, ये देख पा रहे हो यहाँ पर पूरा दुकान लग गए हैं ज़बरदस्त टाइप में। जब बन रहा था तब आप लोग को एक एक चीज़ दिखलाया था मैं, उसी प्रकार से अभी आ चुका हूँ मैं आप लोग को अच्छे से अच्छे जानकारी देने के लिए। श्रद्धालु यहाँ पर आ चुके हैं काफ़ी भीड़ में और देख पाएंगे अभी आगे की ओर जाते हैं और देखते हैं कितने दिन से यहाँ पर लोग यहाँ पर रह रहे हैं। देख दूर दूर से आ रहे हैं यहाँ पर श्रद्धालु, दूर दूर से आ रहे हैं। और नहाने धोने का भी व्यवस्था बहुत ज़बरदस्त है। गीता प्रेस गोरखपुर से यहाँ पर पुस्तकें की ट्रक आ चुकी है, जो बड़ी बड़ी ट्रक है। और ये रहा कथा स्थल कथा प्रांगण, देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से व्यू है कथा प्रांगण का, बहुत ही ज़बरदस्त टाइप में। ये है भीड़, उमड़ पड़ी है भीड़ भाई ज़बरदस्त टाइप में। यहाँ से होने वाली कथा और कथा का रसपान कर पाओगे। इधर दुकान लग गई है, देख पा रहे हो बाबा फूड्स और कुछ लाल चंदन के अधिक अधिक से अधिक जयसवाल फास्ट फूड, अच्छे अच्छे दुकान लग गए हैं। नाश्ता पानी गुपचुप वगैरह खा सकते हो आप, देख पा रहे हो इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त। हाँ, अष्ट धातु अंगूठी ऋषिकेश से आए हुए हैं, यहाँ पर आप लोग को आश्रम की दुकान और यहाँ पर पंचमुखी रुद्राक्ष भी मिल जाएंगे, ये देख पा रहे हो रुद्राक्ष यहाँ से आप खरीद सकते हो। कई लोगों का मैसेज कमेंट आया है कि भैया रुद्राक्ष कहाँ पर मिलेगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पर आ गए हैं और अंदर की ओर चलते हैं और देखते हैं, थोड़ा कुछ कोशिश करते हैं आप सभी को दिखाने की। तरीके से यहाँ पर कथा स्थल का कुछ व्यू है और आप लोगों को दिखा दिए हैं, तो आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो ताकि नई नई वीडियो के अपडेट आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं सीधा कथा के टाइम और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।